नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स न्यूज में। और अपनी रिटायरमेंट के बाद आशीष नेहरा ने किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा और बताया कि किस खिलाड़ी के लिए उन्होंने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। तो जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबाइए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट्स अब तक पहुंचती रहे सबसे पहले। दोस्तों, बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में हुए पहले T20 मैच के बाद आशीष नेहरा को टीम इंडिया ने शानदार विदाई दी। अपने करियर के आखिरी मैच खेलने के बाद आशीष नेहरा भी बिंदास अंदाज में बातचीत करते दिखे, लेकिन इसी बीच आशीष नेहरा ने अपने संन्यास लेने की वजह बताते हुए सबको चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने अपने संन्यास की वजह एक खास खिलाड़ी को बताया। आपको बता दें कि इस बात का आशीष नेहरा ने जवाब देते हुए कहा कि पिछले 2 साल से मैं और बुमराह T20 खेल रहे थे और भुवनेश्वर कुमार टीम के अंदर बाहर होते रहते थे। इस साल के IPL में भी भुवनेश्वर कुमार ने गजब का प्रदर्शन दिखाया, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं खेलूं और भुवनेश्वर कुमार टीम के बाहर बैठे। अभी ऐसा कोई बड़ा इवेंट नहीं आ रहा है कि कोई या वर्ल्ड कप आ रहा है या कुछ आ रहा है 5-6 महीने में। मेरे लिए अच्छी चीज़ ये है कि सब लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रेसिंग रूम में लोग करते हैं। तो अभी सब बोल रहे हैं कि अरे अभी आप आराम से खेल सकते हो और 1 साल खेल सकते हो या 1.5 साल। मेरी हमेशा ऐसी सोच रही है कि इट्स ऑलवेज बेटर, इट्स ऑलवेज गुड टू रिटायर व्हेन पीपल आर सेइंग व्हाई रादर देन व्हाई नॉट। दोस्तों, इस वीडियो में आशीष नेहरा के बयान से साफ है कि वह भुवनेश्वर कुमार के लगातार अच्छे प्रदर्शन से काफी प्रभावित हो चुके थे और ऐसा कहा जा सकता है कि भुवनेश्वर कुमार के बेहतर करियर के लिए आशीष नेहरा के संन्यास लेने के फैसले की एक बड़ी वजह भी है। लेकिन आशीष नेहरा ने यह भी साफ किया है कि यह फैसला उन्होंने खुद लिया है और उनकी बढ़ती उम्र व उनके शरीर का पूरी तरह से उन्हें साथ न देना भी उनके संन्यास लेने का एक बड़ा कारण है। दोस्तों, आशीष नेहरा कितने महान खिलाड़ी थे इस बात का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केवल भारतीय क्रिकेट टीम के युवा गेंदबाजों के बेहतर भविष्य को सोचते हुए उन्होंने संन्यास लेने का मन बना लिया था। तो दोस्तों, आशीष नेहरा की इस महानता व उनके संन्यास लेने पर आपकी क्या राय है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।